हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मानविक बदन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया व्लॉग। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे मैं हूँ महिंद्रा के शोरूम में। और चलिए मैं आपको इधर बाहर की गाड़ियाँ दिखाता हूँ। बहुत सारी गाड़ियाँ आज डिलीवर होंगी, ये 3-4 तो टेस्ट ड्राइव की है। इधर है XUV300 बलेरो नियो, उसके बाद फिर से XUV300। इधर आपकी एक और XUV700 खड़ी है, बिल्कुल मिट्टी लगा रखी है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसके साइड में वाइट कलर में बिल्कुल चमकती नई गाड़ी खड़ी है डिलीवरी के लिए। X5 मॉडल है ये, देखिए टायर से आप पहचान सकते हैं। तो हमारे ही मॉडल अभी लोग ले रहे हैं। आई थिंक टॉप सेलिंग मॉडल होएगा ये, इसका मोस्ट बुक्ड मॉडल होएगा X5। फ्रंट सेंसर इन्होंने कैसे लगाए, तो ये सेंसर है क्या चीज़ है, लेकिन इनके तो लगा हुआ है। क्या बता, स्पेशल डिलीवरी पे, स्पेशल ऑफर पे बनाओ। तो ये भी सही है। और इसके साइड में बलेरो बेस मॉडल है, इसके टायर में तो कुछ भी नहीं है, व्हील कैप भी नहीं है। और इधर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं आपकी, या स्कॉर्पियो, XUV300, सारी गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं। तो मैं आपको भी, हम अंदर चलते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं शोरूम में अंदर। हाँ, इधर को आपको मेरा अभी मुँह देखेगा। चलिए अब शोरूम के अंदर चलते हैं। इधर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे करके बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलिए अब मैं आपको पूरी गाड़ियाँ का दिखा देता हूँ, कौन सी गाड़ी हैं में। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ डीलरशिप पे। तो मैं आपको एक बार सारे डीलरशिप का वॉकराउंड दे देता हूँ। इधर आपकी खड़ी है महिंद्रा थार, ये तो हार्ड टॉप मुझे लग रही है, कन्वर्टेबल नहीं है ये। इसके बाद इधर आपका स्कॉर्पियो खड़ी है, ये बेस वाला मॉडल लग रहा है क्योंकि इसमें आपको वो नहीं मिलते फॉग लाइट्स, बेस ही मॉडल है ये, इसमें आपको टच स्क्रीन भी नहीं मिलती। उसके बाद इधर आपकी बलेरो खड़ी है, इधर आप देख सकते हैं ये बलेरो खड़ी है, नई बलेरो। इधर आपको बलेरो नियो खड़ी है, इधर आपकी XUV700 खड़ी है, मोस्ट अवेटेड कार ऑफ इंडिया। इधर आपकी XUV300 खड़ी है। इधर आपकी XUV700 लग्जरी पैक AX7 खड़ा है। तो ऐसे इधर आप बैठ सकते हैं, सोफेज वगैरह हैं। फिर आपका टीवी है और इधर थोड़ी एक्सेसरीज हैं, तो पूरा एक बार लुक ले सकते हैं शोरूम का। इधर आपकी एक और XUV700 खड़ी है, X7 मॉडल है। फिर आपका एक और टीवी मिल जाता है, ये आपका एक और टीवी है। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ महिंद्रा के शोरूम में। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ द महिंद्रा थार, इसका मैं आपको एक क्विक वीडियो दूंगा। इसके लुक्स वगैरह आपको अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। नहीं, तो इसमें आपको ऐसे LED
है आपको एलईडी, इधर आपको ऐसे मिल जाते हैं हेडलैम्प्स, हेलोजन, इधर आपका फॉग लैम्प्स आ जाएगा, बम्पर, बगल डिफ्लेक्टर, एक्सेसरी, इधर आपका अलॉय व्हील्स आ जाएंगे, आपके साइड मिरर आ जाएंगे, आपका एंटीना है, एक क्रोम डोर हैंडल्स और सारी एक्सेसरी, एक्सेसरी, फिर अंदर का डैशबोर्ड का लुक है। बैठ के दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही ऊंची गाड़ी है। तो आपको सेम वही XUV700 वाला ये बटन से आपको मिल जाएंगे। हजार्ड लाइट बिल्कुल इधर थी इसकी, सीट बेल्ट वार्निंग, पैसेंजर एयरबैग, और फिर बिल्कुल सेम XUV700 वाला है। दो बड़े, बहुत बड़े एसी वेंट्स, और आपको छोटा सा बीच में MID मिल जाएगी, और बाकी वो है बाकी आपको सिर्फ मिल जाएंगे ढंडेरी से कहते हैं। इधर आप देख सकते हैं छोटा सा ये थार बनी हुई है और उसके साथ कैमल, बहुत क्यूट लग रही है। आपको दिख रहा हूँ मेरा जूम फोकस हो रहा है, ऐसे करके आप देख सकते हैं बहुत क्यूट लग रहा है। पीछे एक छोटा सा कैक्टस है, फिर दो ऊंट और एक थार, फिर आपको छोटा सा ग्रैब हैंडल सा टाइप सा मिल जाता है। इधर फिर से एसी वेंट, फिर मेड मॉडल थार, मॉडल वगैरह इधर लिखा हुआ है। फिर आपको ग्लव बॉक्स, छोटे से बहुत बहुत क्यूट ग्लव बॉक्स है छोटा सा। उसके बाद इधर आपको आई थिंक पता नहीं क्या गोले सा है कुछ। उसके बाद इधर आपको कुछ रखने का सामान, इधर थार की बैजिंग, सनवाइजर, ग्रैब हैंडल, और बस ऐसे ही लाइट मिल जाएगी, LED लाइट्स, चार LED बल्ब मिल जाएंगे इसमें। फिर और ये पीछे की लुक है सारा, पर आपको स्पीकर मिल जाते हैं थार में, फिर आपको छोटी सी टच स्क्रीन मिल जाएगी, और महिंद्रा का ओल्ड क्लासिक लोगो भी इसमें है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ, है हमारी स्कॉर्पियो। तो चलिए अब स्कॉर्पियो की तरफ चलते हैं। फिर आपका हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, फिर आपका फॉग लैम्प्स में ढका हुआ है, प्लास्टिक लगा रखी है, और उसके बाद फिर आपका महिंद्रा का लोगो, फिर आपको ग्रिल मिल जाएगी ऐसे क्यूब्स के साथ। ये आपका हेड लैम्प्स वगैरह को लाइवी नहीं मिलेंगे, व्हील कैप मिलेंगे इसमें आपको। उसके बाद ये पियानो ब्लैक सी फिनिश में कुछ आपको मिल जाएंगे, साइड व्यू मिरर्स, स्कॉर्पियो की अच्छी सी बैजिंग आपको इसमें मिल जाएगी, सैटिन ग्रे कुछ एलिमेंट में। इधर आपका फ्यूल टैंक है, ये तो खुलेगा नहीं स्कॉर्पियो। इधर ये मुझे बहुत सही चीज़ लगती है, स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, और ये जलता भी है जब ब्रेक दबाओ। स्कॉर्पियो S5 माइक्रो हाइब्रिड एंड अ ब्लैक फिनिश, डिक्की, ओ भाई साहब, भाई ये तो बहुत ही बड़ी डिक्की है, सच में बहुत बड़ी डिक्की है ये तो, मुझे तो लगा इसकी छोटी सी होती है, तो सच में बहुत बड़ी है, तो मैं पूरा फिट हो जाऊँगा इसमें। तो सीट्स मिल जाती हैं, ठीक से बननी हुई, ये आपके रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, टोइंगो, आपको स्टेप मिल जाता है कुछ का।
ये भी बहुत ऊंची है। सुबह थोड़ी शांति हुई है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ी लाइट लाइट है, हेलोजन लाइट है। ओके, उसके बाद इधर आपको ORVM मिल IRVM सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है, को विंडोज कंट्रोल को नॉब मिलता है जिससे आप पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये आपका वो डोर हैंडल्स वगैरह मिल चुका है, मिल जाता है। ये साथ में आ जाता है, मैनो ब्लैक फिनिश मुझे लगा ये इधर कोई रहेगा, ये तो इसके साथ में ही ग्लव बॉक्स के साथ में नीचे आ जाता है। डीप ग्लव बॉक्स है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं। इधर आपका सिस्टम भी नहीं है, वो म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं है इधर तो आपका। उसके बाद बस आपको वो मिल जाएगा, MID मिल जाएगी, छोटी सी है ये तो बहुत MID। बीच में आपको वही एनालॉग मिल जाएगा, पीछे वही क्लासिक लोगो। भाई इतना बड़ा गियर बॉक्स ही बहुत बड़ा है, नहीं मुझे हिलाना नहीं चाहिए। आपको कुछ AC के कंट्रोल, AC लो AC हाई आपके मोड आ जाएंगे AC के, और ये AC कितना चलाना है, और ये आपका वो क्लाइमेट। भाई हैंड ब्रेक क्या चीज़ है, ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक देखो इसकी, ये कैसी हैंड ब्रेक है, लगी भी नहीं हुई वैसे। और कुछ आपको सही सा पैटर्न मिल जाता है इधर, फिर आपको स्पेस मिल जाती है कुछ रखने की, और बस बस यही चीज़ें हैं। तो पीछे की रो इसकी ऐसे को है, देख सकते हैं कोई ज़्यादा खास नहीं है, बेस मॉडल है, इसमें तो कुछ देखने को है भी नहीं ज़्यादा। ये अच्छी बात है कि आपको पावर विंडोज मिल जाती हैं चारों, तो ये सही लगा। सारे एयरबैग भी इसमें चार तो होंगे एयरबैग, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी का तो आपको बताइए, स्कॉर्पियो का इतनी बढ़िया नहीं है। अरे आपकी बोलेरो नहीं, बोलेरो है ये आपकी, इसका मैं आपको बार बार से दिखा देता हूँ। अंदर भी आपका ठीक ठाक है, दीदी आपका ब्लैक फिनिशर। ये आपका आगे का लुक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे ब्लेरो नहीं हो आपकी, ऐसे आपका साइड का लुक है। आपका अलॉय व्हील्स, चलो अब इसकी थोड़ी अंदर की बात करते हैं। ओह माय गॉड, कश्मीर कितनी आगे कर रखी है किसी ने, इसमें बदबू बहुत गंदी आ रही है। मैं ज़्यादा देर रहूँगा नहीं इस गाड़ी में, मैं तो कहता हूँ बाहर ही चलते हैं, बहुत गंदी बदबू आ रही है। इसे मुझे इसका इंटीरियर से ज़्यादा तो बोलेरो का ही अच्छा लगा। ठीक है ये बेकार है, हमारी XUV700 लुक्स वगैरह तो आपको सारी इसकी पता ही है।
ये ना भाई मस्त गाड़ी, इसमें आता है ना असली मजा, पूरा मजेदार। ये मुझे बेस्ट चीज लगती है, लेकिन ये हमारा AX5 मॉडल में तो मिलेगा नहीं, मतलब AX5 मॉडल में तो मिलता नहीं है। अरे होम पे बैक चले जाओ, काश यार ये कुछ नीचे ऊपर भी दे देते मॉडल्स में, आपको वो होल्डर मिल जाता है, कप होल्डर, और ये वो है कहते हैं स्लाइडेबल, आगे पीछे हो जाता है, ऐसे दबाव के खुल जाएगा। कप मॉडल में इधर आपको ये कूल्ड मिल जाता है, चॉकलेट्स इधर आप रख सकते हो अपनी, ओह पूरी सनरूफ, यही तो देखने को मिलता है आजकल की गाड़ियों में सनरूफ, और ये उनका सनग्लास होल्डर। हाँ अभी लाइट्स ये चलेंगी नहीं, अभी तो पूरी ऑफ पड़ी है। सोनी का सराउंड पूरा 3D, देखिए सोनी की बैजिंग मिल जाएगी इधर, और मेमोरी सीट्स का भी फंक्शन, यस इधर मेमोरी सीट्स का फंक्शन। आपको मुझे लगता है अब बाहर इतनी अच्छी आवाज़ आपको मेरी आ नहीं रही होगी, क्योंकि लोग घूम रहे हैं, अभी 700 की बुकिंग करवाने आए होंगे। चलो फिर उसके बाहर चलते हैं, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ शुरू में कौन सी कार रहे हैं, आपको स्मार्ट डोर हैंडल है, 300 अंदर से ऐसे, ये अलॉय व्हील्स मुझे इससे अच्छे लगते हैं, पूरे अलॉय व्हील्स हैं, ऐसे करके आपको ये मिल जाएगा। इसका लुक 300, इसका लुक थोड़ा टाइगर से इंस्पायर्ड है, और इसके बाद आपका X7 मॉडल सनरूफ भी खुली हुई है, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा बैठने में। चलिए मैं बैठ के दिखा देता हूँ, ये है आपके असली सीट्स, वो X7 वाले टॉप मॉडल वाले सीट्स, वाइट कलर डैशबोर्ड के साथ मैचिंग है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल है, सोनी सराउंड साउंड और ये सनरूफ, यस। और पीछे है आपका वही सीट्स मिल जाएंगी, एक फोल्डेड है इधर को, पूरी फोल्ड कर रखी है इधर पीछे जाने के लिए, और इधर आपकी वो लाइट चल रही हैं, तो इधर नहीं जल रही, ये लाइट ख़राब है क्या, ये तो जल ही नहीं रही, चलो कोई बात नहीं। एड्रेनॉक्स की बैजिंग इधर, ये मुझे अच्छी लगती है बैजिंग, क्रोम के अंदर बैजिंग है, तो बस उधर एक और X700 खड़ी है, तो बस ऐसे ही थी, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं इसके शोरूम के अंदर, तो चलिए अब मैं आपको जब हमारी कार वापस आ जाएगी अपडेट होके तो आपको वो भी दिखाऊंगा, तब तक के लिए आपने ये शोरूम का पूरा वॉक अराउंड देख लिया।